पीड़ा मेरे जिन में जब भी आएगी मैं काउंटिंग नहीं करूंगा, काउंटिंग नहीं। आप सबके मन में एक भाव है, अनजान में भी तू मेरे मुंह से शब्द निकलता है, बताऊं क्या शब्द, क्या कहे शब्द निकले साहब, सहन करवानी पड़े, बोलो सु बोलो, माने काउंटिंग साहब क्या सुनी सहन कितनू कारण भी ना मारी पाछा पड़ी जाए तो पन साहब सहन करने पे हद होए, आओ मन थाए भगवान बोलते पीड़ा का कभी काउंटिंग मत करना। और एक बात तुमने कही दू, पाप करवानी जेने हद नक्की नहीं करी एने सहन करवानी हद नक्की करो अधिकार नहीं, पाप करवानी हद नक्की नहीं करी ने सहन करवानी हद नक्की करे। दुनिया भरना पाप ना विचार करता हवे करे साहेब क्या बधी सहन करवानू, साढ़े बारह साल तक भगवान मावी ने कभी ये नहीं कहा कि कितना सहन करना है। हर छोटी बात में उलझ जाते हैं, मन से क्या सुनी क्या दी, हम सहन करे जवान सहन करे जवान, ये पांच चीज पंच परमेष्ठी जो है अपने जिन में ऐसी है, पांच चीज हमारी अनुभूति ताकत है, प्रसन्नता प्रेम परोपकार प्रलोभन और पीड़ा खरास आती छट्टू कई बदतू नहीं। और आप बोलते कि गुरुदेव शुरुआत कहां से करें, मैं कहना शुरुआत तुम परोपकार कैसे हो, इफ यू लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर शुरुआत कर दो। वो हाथी ने शुरुआत कर दी खरगोश को बचाने की, परोपकार की सबसे पहले। एक एग्जाम्पल देकर के प्रवचनों को विराम दूंगा मैं, कालूसी की पोल में जहां गुरुदेव भुवन मनुष्य का जन्मस्थल, मैं गुचरी गया और गुचरी जाते एक दृश्य को देखा मैं हैरान था, एक गाय कमजोर होगी और एक कुत्ता अपने मुंह से रोटी ला करके गाय के बाजू में रखी और गाय रोटी खाती थी। मैं देखते रहा, आज तक कभी ऐसा दृश्य देखा नहीं था, और कुत्ता का मुंह ऐसा था रोटी गाय के मुंह में डालता था, गाय उनके मुंह से रोटी ले लेती थी। मेरे साथ लड़का था, मैंने पूछा ये बात क्या है यार, माना से ये कुत्ता है ना ये गाय तो बाहर से आई, खड्डे में पैर गिर गया और इंजर्ड हो गई चल नहीं सकती अभी, ये कुत्ता हमारी पोल का है, हर घर में माना जाता है कुत्ता, दो तीन रोटी सब देते हैं और अपने आप से वापस चला जाता है, मगर चार दिन से माना से कुत्ता न मालूम दो रोटी और दो रोटी और दो रोटी सब मुँह में दबा के ही चलता था। मैं खुद माना से जब इनके मुंह में 20 रोटी आई तब मुझे लगा कि ये करता क्या होगा, और गुरुदेव मैं इनके पीछे पीछे चला, और गुरुदेव कुत्ते को न मालूम कहाँ मालूम होगा ये गाय जो खड़ी नहीं होती थी वहाँ उनके पास कुत्ता आया और कुत्ते को उसने रोटी खिला दी। माना एक कुत्रो गाय नहीं रोटी नहीं व्यवस्था करी सके, आ परोपकार नहीं सर्वाच। आज आपसे मैं इतना कहना चाहता हूं, हम ये पांच प्रलोभन पीड़ा परोपकार प्रेम और प्रसन्नता यदि हम खुद निश्चित तौर से शुरुआत करना चाहते हैं, एक बार परोपकार से शुरुआत करो और विथ इंटरेस्ट सारा मां सारी लेशिया साहब अभी कहीं पर तक मने मने याद कर दू साहब, मने खूब आनंद थे साहब, जे दिवसे अभी मानसिकता मारी ने तमारी उभी थे एक बात कहू, सहन करवानी हद नक्की नहीं करता,
धर्म कर्मनु कद नक्की नहीं करता अने पाप में रस नहीं रखता। त्रण ची सहन करवानी वात आवे त्यारे हद नक्की नहीं करता, धर्म कर्मनी वात आवे त्यारे कद नक्की नहीं करता अने पाप करवानी वात आवे त्यारे रस उभो नहीं करता। रस कद अने हद आ त्रण में जो आपणे साबित थई गया जे इनाम मळशे ने एक कल्पनातीत इनाम हशे।